नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है शोषित क्रांति दल के महानगर अध्यक्ष वरुण कुमार जी, जो कि आज मेरठ के अंदर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं खासतौर पर दलितों के साथ, उसको लेकर एक ऐलान कर चुके हैं कि लखनऊ में जो है लोक भवन का घेराव किया जाएगा और 11 तारीख को तारीख भी इन्होंने निर्धारित कर दिया 11 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर मेरठ के अंदर बहुत सारी वारदात ऐसी हुई दर्जनों, जिसमें एसपी ऑफिस का और एसएसपी ऑफिस का घेराव किया गया, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। उसको लेकर लखनऊ की तैयारी जोरों शोरों से है और अब वार्ड वाइज जाकर, वार्ड में भी आए थे आज, कई जगह मीटिंग चल रही है कि लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अभी 2 दिन पहले, यानी कि काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी कर चुके हैं और अब ये बताएंगे विस्तार से कि क्या इनकी रूपरेखा होगी, क्योंकि शोषित क्रांति दल एक उभरता हुआ एक संगठन है, जो कि अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो एक टिप्पणी कर दी गई थी उनके खिलाफ, राजेश चौधरी द्वारा बीजेपी के प्रवक्ता व विधायक है, उसको लेकर भी पुतला दहन करने की पूरी इन्होंने कोशिश की थी, हालांकि शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा वह अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। मैं कल जलाऊंगा पुतला, मैं अभी कह रहा हूँ बात को लेकर, आप छीन लिए कल बड़ा आंदोलन होगा। जी वरुण जी, जय भीम और उमेश भाई को धन्यवाद और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि दलितों के जो मुद्दे उठाते हैं उमेश भाई और समाज में हर जगह जो पहुंचने का काम करते हैं अपना टीम के साथ, पूरी टीम को धन्यवाद। जी जी, बहुत साधुवाद जी। जैसे 11 सितंबर का आपने लोक भवन लखनऊ के बाहर शोषित क्रांति दल का मतलब धरना देने का ऐलान किया है और इसको लेकर यह भी लग रहा है कि ये हो सकता है शासन प्रशासन रोकने की भी साजिश रचे। जी बिल्कुल, साजिश रचेगा जी, क्योंकि शासन प्रशासन नहीं चाहता कि उनकी पूरी पोल पट्टी जो काला पीला कर रहे हैं मेरठ पुलिस, कि वो लखनऊ में जाके उनके काले चिट्टे खुले जी। आप देखिए मेरठ पुलिस जो है 2 महीने के अंतराल के अंदर रेप की, छेड़छाड़ की, मर्डर की, गैंग रेप की इतनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं ना तो हमारा मन और हमारा दिल ऐसा करता है कि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम को है, बस लिखा हुआ है कि संविधान है, लोकतंत्र है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है, वो लोग है कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आते। जब सुबह अखबार पढ़ता हूँ कि लोहिया नगर में रेप हो गया, गैंग रेप हुआ, 7 घंटे लाश पड़ी रही, फिर फलावदा थाने की घटना सामने आ जाती है 31 तारीख की कि गैंग रेप किया गया 24 घंटे दलित नाबालिग लड़की के साथ, तो कहाँ चला जाता है प्रशासन? ये मेरी सबसे बड़ी जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं लखनऊ जो जाऊँगा, जो सारी आपराधिक घटनाएं हैं उन घटना के जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार हमारे साथ जाएंगे। लगभग हमारे पास 25 पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, उसके अंदर नाबालिग बच्चों से रेप भी शामिल है, तेजाब पीड़िता भी शामिल है, मर्डर भी शामिल हैं, बहुत ऐसे अनेकों फर्जी मुकदमे में जो हमारे दलित समाज को जेल में ठूसने का काम कर रहा है यूपी पुलिस जी, उसके खिलाफ भी हम लखनऊ में धरना देंगे जी। तो जैसे अभी काफ़ी बड़े मतलब बहुत सारे पेपर है, इनके इनमें जो वारदातें जितनी भी हुई है, हत्या को लेकर, रेप को लेकर जी, एक सिपाही का भी इसमें केस का जिक्र है, सिपाही का भी जो सिपाही था पीएससी का जवान, उसकी एक ट्रक चालक ने, रोंग साइड से ट्रक आ रहा था, शराब के नशे में था, एक उसने एक ऐसा दलित परिवार पूरा उजाड़ दिया जी, जबकि वो अपनी ड्यूटी से लौट के चुनाव में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, ईवीएम जमा करके वो रिपोर्ट देने दोबारा अपने ऑफिस जा रहा था और उसी रास्ते में उसकी आपूर्ति के अंदर चौपले पर उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट और प्रशासन ने उसमें लीप अपोते करने का कार्य किया, ना ही ट्रक चालक को पकड़ा, ना ही उसे अरेस्ट करा था, जिसमें कि शोषित क्रांति दल ने हापुड़ में कई बार धरने दिए, एडीजी ऑफिस का घेरा हुआ, मेरठ कमिश्नर का घेरा हुआ, पर पीएससी का जो जवान अंकित राव, उसको आज तक भी न्याय नहीं दिला पाई है यूपी पुलिस जी, काफी लंबा समय हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम जनता, तो चलो एक बार को मान लेता हूं मैं, उनके ही जवान जो पीएससी का जवान था भाई, पुलिस के महकमे का भी आदमी था, उसे भी न्याय नहीं दिला पाए, तो हम तो न्याय के लिए भूल जाए कि हमें न्याय मिलेगा। थाना भवनपुर में एक बच्ची, जो छोटी बच्ची थी,
लगभग 3 वर्ष की, उसके साथ भी बहुत सारी वारदातें हैं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन इससे एक जो बहुत बड़ा सवाल है जो कि खड़ा होता है कि जो गाय गाय गोमाता कहते हैं जिसको तथाकथित लोग, कि गाय माता के साथ यदि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो जाती है तो बहुत बड़ा एक बवाल हो जाता है। बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, और इतना बड़ा बवाल हो सकता है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। जी। परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दिनांक 23/7/2024 को थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक सामंती व्यक्ति ने दलित नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी घर में घुस के। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी। 8 दिन बाद जब पीड़ित परिवार सीओ के, एसएचओ के, एसएसपी के जा जाके गुहार लगाती रही, रोती रही, बिलकती रही, जब जाके वो हमारे पास आए श्रोति कांतल के पास, हमने उनकी एफआईआर दर्ज कराई। पर दुर्भाग्य इतना है, दलितों को दुर्भाग्य खास तौर से, कि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती, आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इसी मामले को लेकर जो हमारे नगर के जो एसपी सिटी हैं जी, आयुष विक्रम सिंह जी, हमने उनका घेराव रखा और हमने उनसे मिले। 26 तारीख का हमारा घेराव था, हम लोग उनसे मिले और पीड़ित परिवार मिला। एसपी सिटी साहब ने साफ जाहिर कर दिया कि मैं गिरफ्तारी नहीं करूंगा जी। रेप के मामले में पोक्सो लगी हुई है, एसएसटी एक्ट लगा हुआ है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा अधिकारी इतनी संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करके मैं गिरफ्तारी नहीं करूंगा। और आप ये देखिए, आपने कहा कि गाय के साथ छेड़छाड़, एक दलित नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ की गई है। सदर थाना क्षेत्र के अंदर ओगरनाथ मंदिर के सामने एक व्यक्ति ने झूठी शिकायत की कि ये गो माता जो जो जानवर है उसे माता बना लिया, जो महिलाएं हैं उन्हें तुमने जानवर बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है, कानून व्यवस्था में इतना बड़ा मतलब भेदभाव किया जा रहा है। जो महिलाएं हैं जिन्हें अधिकार दिया गया संविधान के अंदर, उनको तो जानवर बना दिया। जो जानवर हैं, जो सदियों से जानवर चले आ रहे हैं, उन लोगों को गोमाता बना के रख दिया। उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, तत्काल रूप से उसमें गोली मारी जाती है जी। उसे पकड़ा जा रहा है, उसे जेल भेजा जा रहा है। पर महिलाओं के अपराध में जहां एसएसटी एक्ट लगा हुआ है, पोक्सो लगी हुई है, और मेरठ पुलिस उसमें कोई भी कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है जी। देखिए, भारत की विडंबना यही रही है सदियों से कि यहाँ पर जानवरों को, किसी को माता, किसी को फूफी, इस तरीके से रिश्ते बनाए गए। लेकिन जो असल माता है, यानी कि महिला या बच्ची, उनको जानवर से भी ज़्यादा बदतर नज़रों से देखा जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। इन्हीं मुद्दों को लेकर शोषित क्रांति दल 11 सितंबर को लखनऊ में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। जोरों शोरों के साथ तैयारी भी चल रही है। हमने आज देखा तो इन्होंने बहुत सारी मीटिंगें भी लगा रखी है, और युवाओं को तैयार किया जा रहा है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे, और पीड़ित परिवार तो जाएगा ही। और इसके बाद जो एक असल मुद्दा है वह है कि जो हमारा ये मेरठ शहर है जी, जिला है, जनपद, तो यहाँ से लखनऊ पहुँचने के लिए मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है, बहुत समय लगता है, आर्थिक तंगी भी होती है, उसके बाद भी आप वहाँ पहुँचेंगे जी। तो एक मुद्दा और उठाया था आपने कि जो उत्तर प्रदेश को मतलब विभाजन करने वाला। देखिए, मैं आपको मेरी जी बता दूं, हमने एक संगठन बनाया, शोषित क्रांति दल संगठन हम चला रहे हैं, काफ़ी सालों से हम चला रहे हैं। एक संगठन और है हमारा, जिसका है पश्चिम निर्माण पार्टी जी, कि पश्चिम निर्माण जो है इसको अलग प्रदेश बनाया जाए पश्चिमांचल को। आप ये देखिए कि मुझे न्याय लेने के लिए दिल्ली कितनी पास है, पर जो मेरी राजधानी है, जिस प्रदेश में मैं जन्मा हूँ, जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठता है 600 किलोमीटर दूर। ये बहुत बड़ा विडम्बना है हमारे। मैं अगर इससे जल्दी लाहौर पहुंच सकता हूँ पाकिस्तान के, मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगा, महाराष्ट्र पहुंच सकता हूँ मैं, राजस्थान जा सकता हूँ हाईकोर्ट, दिल्ली के हाईकोर्ट को टच कर सकता हूँ, जम्मू कश्मीर जा सकता हूँ, पंजाब जा सकता हूँ, हरियाणा जा सकता हूँ, जितने समय में, पर उतने समय में मैं अपने राजधानी नहीं जा पहुँच पाता। और न्याय लेने के लिए पीड़ित परिवारों को इतनी दूर जाना पड़ रहा है, 600 किलोमीटर दूर। इसके लिए एक हमने इसके अंदर एक संगठन बनाया, पश्चिम मांचल निर्माण पार्टी। उसका काम ये है कि जो बहन कुमारी, जब मायावती जी की सरकार चल रही थी 2007 में, तो सबसे पहला प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि उत्तर प्रदेश के 4 भाग होने चाहिए। क्यों? इसलिए होने चाहिए कि जितना छोटा प्रदेश होगा उतनी खुशहाली होगी। आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ, आप देखिए, पंजाब में से हिमाचल निकाला,
पंजाब में से ही हरियाणा निकाला, और जब ये निकाले गए तो पंजाब को ऐसा लगता था कि हम लोग अब पीछे हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पर आप देखिए हर चीज की तरक्की में, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए पंजाब कितने तरक्की कर रहा है व्यापार में, हर चीज में, विकास, शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सबसे ज्यादा, वहाँ के लोग फॉरन है सबसे ज्यादा। आप हरियाणा में आ जाइए, वहां पर छोटा राज्य है, कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि आपको अपराध बिल्कुल जीरो दिखाई देगा वहां पर जी। वहां पर विभाजन हुआ, और समय समय पर जो लोगों की जो समस्या सामने आती रही है, एक आयोग का गठन भी हुआ था कि राज्यों का पुनः गठन, एक आयोग भी बना हुआ है। उस आयोग का जो काम है कि जो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें मांग उठती रही है हमेशा, जैसे उत्तर प्रदेश में से मांग उठी थी 90 के दशक में कि उत्तराखंड को अलग किया जाए, वो हुआ अलग। आंध्र प्रदेश में मांग उठी कि तेलंगाना को अलग किया जाए, वो हुआ अलग। क्यों हुआ, क्यों इतनी बड़ी आबादी है बताइए, इतनी 22 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से, और आपके मुकाबले बात कीजिए 35 करोड़ आबादी पे एक मुख्यमंत्री है, कैसे सुनेगा हमारी, बिल्कुल, एक DGP है, और एक ही सचिवालय है वो लखनऊ में। पश्चिमांचल वालों को क्या दिया इन लोगों ने, हमारे पास जब 70 के दशक में कैबिनेट की जब मीटिंग चली तो उन्होंने बोला कि सबको 2-2 AMS दिए जाए प्रदेशों को, मिले उत्तर प्रदेश को, पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें एक भी एम्स नहीं मिला, पश्चिम में दोनों पूर्व में चले गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास IIT नहीं है, हमारे पास एम्स नहीं है, हमारे पास शिक्षा संस्थान नहीं है अच्छे, और हमें न्याय, सबसे जो मूल सवाल है लोकतांत्रिक देश के अंदर वो न्याय का होता है। न्याय पाने के लिए भी आपको 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और हमारे इस वक्त के तो पुराने जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो खूब आते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे बहन कुमारी मायावती जी है और अखिलेश यादव जी है, और हमारे जो फिलहाल अभी योगी बाबा हैं वो लखनऊ में जनता दरबार चलाएंगे या गोरखपुर में जनता दरबार चलाएंगे। गोरखपुर और लखनऊ पूरे दोनों पूर्व के अंदर हैं, पश्चिमांचल की जो 8 करोड़ जनता है उसके लिए कोई जनता दरबार नहीं। देखिए ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ज़रूरतमंद मुद्दा है, क्योंकि विकास जो होगा वो तभी होगा जब छोटा राज्य होगा, जैसे कि छोटा परिवार खुशी परिवार। और सबसे बड़ी बात हम बताएं आपको, जो इन्होंने मुद्दे लिखे हुए हैं, जो घटनाएं हुई है, इसमें एक घटना है मेरठ के अंदर फलावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महल का गांव, और ये हम दर्शकों को इसलिए बता रहे कि कुछ लोग कहते हैं कि जहां मुस्लिम दलित के साथ उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, उस आवाज़ को नहीं उठाते हम, तो ये मुद्दा जो इसके अंदर है फलावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का, वो दलित और मुस्लिमों को लेकर ही जुड़ा हुआ है, उस वह मुद्दा भी इसमें मुखर लिखा गया है और प्राथमिकता भी दी जाएगी उस मुद्दे को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपराधी किस समाज से है, किस जाति से, किस धर्म से है, अपराधी किसी भी जाति धर्म से हो उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए शोषित क्रांति दल पूरी भूमिका निभाते हैं, जो पीड़ित होता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरे जोर लगा देते हैं। तो इस मुद्दे में जो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि दलित मुस्लिमों के बीच में जो विवाद होता है उसमें दलित संगठन नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और हालांकि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि आरोपी मुस्लिम थे, लेकिन शोषित क्रांति दल किसी का पक्षपात नहीं करते, अपराधी को अपराधी समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है फिर दर्शक देखना नहीं पसंद करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दे, और गर्व से कहिए जय भीम जय भीम।